हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राजपूत अपनी प्यारी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले। घबराइए नहीं, कड़वे बिल्कुल नहीं होंगे। इस मेथड से बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये हम आधा किलो करेले लेते हैं, इसको अच्छे से धोकर और इसके ऊपर का छिलका छील देते हैं। बहुत लोग छिलका भी मसाले में मिलाते हैं, लेकिन हम छिलका नहीं मिलाते हैं। छिलके को हटा दीजिए। इसके अंदर का जो गूदा है उसको निकाल लीजिए, वो मसाले में मिलाएंगे। तो देखिए, हमारे ये करेले छिल गए हैं। अब इनको हम एक बाउल में रखकर और इसके ऊपर नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद इसको एक घंटे के लिए रख देते हैं मिला के, ताकि जितना भी इसका कड़वापन है वो नमक के साथ निकल जाएगा। इसको हम एक घंटे के लिए जब तक रखते हैं, तब तक हम मसाला तैयार करते हैं। अब एक कढ़ाई लेते हैं और इसको गैस की फ्लेम पर रखते हैं, और इसमें हम डालते हैं 4 बड़े चम्मच सौंफ। सौंफ जैसे ही हमारी भुन जाए, इसमें इस महक आने लगती है कि भुन गई, तो इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। फिर 2 चम्मच हम मेथी लेते हैं, छोटा 2 चम्मच। इसको भूनते हैं, फिर जैसे ही हल्की सी भुन जाए, मेथी को ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, नहीं तो कड़वाने लगेगी और ज़्यादा। इसको भी वापस उसी बर्तन में रखते हैं। फिर इसमें हम 4-5 लाल मिर्च और 1/2 चम्मच कलौंजी डालते हैं। इन सबको जैसे ही कलौंजी चटकने लगे, इन सबको निकाल के फिर इसको ठंडा करके मिक्सर में पीसते हैं। अब ये देखिए, हमारा मसाला तैयार पीस गया है। अब एक कढ़ाई लेते हैं और इसको गैस की फ्लेम पे गरम करते हैं। अब इसमें डालते हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच। अब ये देखिए, हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हमने 2 बड़ी प्याज को चॉप कर रखा था बारीक बारीक, इसको फ्राई करना है, एकदम ब्राउन नहीं करना है, वाइट सी रहे। अभी इसमें हम मिलाते हैं जो हमने करेले का गूदा निकाला था वो, और इसमें हमने 2 छोटी अमियां को काटा है, कच्ची अमियां, और इसमें मिलाते हैं 1/2 चम्मच हींग। इसमें आप मिलाते हैं 1 चम्मच छोटा हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 बड़े चम्मच। मिलाने के बाद इसमें हम मिलाते हैं 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, मिलाने के बाद इसमें हम मिलाते हैं 1 चम्मच खटाई पाउडर, फिर मिलाते हैं नमक स्वाद अनुसार। अब जैसे ही हमारा ये मसाला भुनने लगे, तो इसके बाद हम इसमें मिलाते हैं 1 कटोरी हमने चने की दाल को भिगो रखा था, इसमें चने की दाल, और इसमें मिलाते हैं 1/2 चम्मच गरम मसाला। आपने जब कभी नहीं बनाया हो चने की दाल डाल के, तो इस बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी करेले बनते हैं। तो ये चने की दाल हम मसाले में मिला के इन सबको भूनते हैं, और अगर लगे कि मसाला हमारा जल रहा है, तो थोड़ा सा पानी की छींटे दे दीजिए, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा 1/2 चम्मच। अब जैसे हमारा मसाला ये भून चुका है, अब इसको हम रखते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम देखते हैं कि हमारे करेले का क्या है। अब ये देखिए, हमारा करेला अच्छे से, इसका जो कड़वा पानी है वो निकल गया। देखिए, ये निचोड़ के इसको, इसका पानी फेंक दीजिए,
और इसको एक साफ पानी से धो लीजिए। बहुत लोग तो बॉयल भी कर देते हैं, लेकिन हम बॉयल नहीं करते और ना ही भाप लगाते हैं। इसका पानी इससे धो लीजिए और निचोड़ दीजिए और 5-10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही खुले हवा में छोड़ दीजिए, जब तक हमारा मसाला भी ठंडा हो जाएगा। अभी देखिए हमारा मसाला ठंडा हो गया है, अब इसको हम इसमें करेले में भरते हैं। अब ये देखिए हमारे सारे करेले भर चुके हैं। अब हम दूसरी कढ़ाई लेते हैं, अब उसमें हम ऑयल डालते हैं, जितने हमारे करेले हो उसी हिसाब से हमको फ्राई करने के लिए तेल डालना है। अब ये देखिए तेल हो गया, अब इसमें धीरे धीरे हम जितने भी हमारे करेले भरे हैं इनको इसी में रख देने हैं और इनको लटते पलटते धीरे धीरे, ताकि इनका मसाला बाहर ना निकले। अब इनको हल्के हाथों से पलटते रहिए, देखते रहिए जले भी ना ये। अब ये देखिए हमारे करेले फ्राई हो गए हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बताएं कि करेले हमेशा जब भी आप बनाएंगे तो आप तुरंत खाएंगे ना तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे नेक्स्ट दिन खाएंगे तो उतना ही करेला और अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, देखिए मेरा करेला बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। आप इसको बनाइए और खाइए, और आपको कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें मैंने चने की दाल मिलाई है, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। अब आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारे करेले अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।